तो आज हम शुरू करने वाले हैं नया कंटेंट। एक वीडियो मैंने बनाया था अपने पेन टाइप के ऊपर, सारा क्रेडिट मेरे दोस्त को जाता है जिन्होंने परचेज किया। ठीक है, तो शुरुआत सबसे पहले हम फिर से करेंगे, जिनको नहीं पता उनके लिए भी उनको पता चल जाए। जब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं तो इसमें से जब हमारा पेन टाइप निकलता है तो कुछ इस तरह से निकलता है। पैकेजिंग का देखें तो पैकेजिंग का वेट इसका 900 ग्राम के लगभग में है। ये मोस्टली एक ग्राफिक टैबलेट्स होते हैं और ग्राफिक टैबलेट्स को चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये डायरेक्ट वायर्ड होते हैं। और ये हमें पड़ा 2699 का। ये हकीकत बताऊं तो आपको इस रेट में इस क्वालिटी का कहीं पर भी आपको कोई अभी तक टैब नहीं मिलने वाला है, अभी तक जो मैंने देखा है, जो भी हमारी रिसर्च है। क्योंकि इसमें आपको जो स्क्रीन मिलती है वो करीब आपको 13x8 इंच का इसमें आपको स्क्रीन मिल जाता है और जो इसका एक्टिव एरिया है वो करीब 10x6 इंच का इसका एक्टिव एरिया है। ये चार प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, विंडोज, iOS, एंड्रॉइड और लिनक्स को भी सपोर्ट करता है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली इसमें सी टाइप हमें मिलता है जो कि आपके टैब में कनेक्ट होता है और उसका यूएसबी आप अपने लैपटॉप में या फिर आप अपने कंप्यूटर में आप उसमें यूज कर सकते हैं। मोबाइल में आपको सिंपल ओटीजी लगेगा। हाँ, मगर इसमें यार ओटीजी उनको देना चाहिए था साथ में क्योंकि एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एक बेनिफिट रह जाता है। तो ये उन लोगों के लिए टैबलेट्स बहुत मस्त है, बहुत सुटेबल है। जो एक टीचर है या फिर अपना टीचिंग करते हैं वो डिजिटली कंटेंट्स बनाते हैं यूट्यूब के लिए या फिर अपने ट्यूशंस वगैरह में, इंस्टीट्यूट्स वगैरह में यूज करना चाहते हैं या फिर और दूसरे उनके लिए जो कि अपने ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं, उनके लिए भी। काफी लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा स्लिम साइज का है। 8 mm की इसकी थिकनेस है, 425 से 430 ग्राम के आसपास का इसका वेट है और देखने में इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी बहुत प्रीमियम है। मतलब लगता नहीं, कोई नहीं कहेगा कि यार आपका 2700 रुपए का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये डिवाइस प्लग इन प्ले है, प्लग करते हैं अपने टैब को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम से तो हमें एक पॉपअप मिलता है सिस्टम में भी कि कुछ एक डिवाइस या एक ड्राइव कनेक्ट हुआ है। अगर आप उसे ओपन करते हैं तो एक ड्राइवर मिलता है, हम बस हमें इंस्टॉल करना होता है उसी में। और दूसरी तरफ यहाँ पे जैसे आप प्लग करते हैं तो वहाँ पे एक नीली कलर की बत्ती ब्लिंक करने लगती है कि जैसे कि हमें पता लगता है कि हाँ कनेक्टिविटी हो चुकी है दोनों में। और उधर आप अपने कंप्यूटर में आप जैसे ड्राइवर्स को इंस्टॉल करते हैं ये आपका काम करना शुरू कर देता है, इजिली कस्टमाइज कर सकते हैं। इसका एक अलग सा सॉफ्टवेयर है जिसको आप जिसके अंदर आप जाके इसके सारी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसमें आपको 12 कस्टमाइजेशन बटन्स मिलते हैं। ये जो टैब है विंडोज जो यूजर्स हैं उनके लिए फुली कस्टमाइजेशन है, मतलब आप बिल्कुल जैसे मन तैसे आप इनके बटन्स को कस्टमाइज कर सकते हो। बट जो मैक यूजर्स हैं उनके लिए लिमिटेशन है काफी सारी। मैं मैक यूजर नहीं हूँ तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि भाई क्या और ज्यादा लिमिटेशंस हैं क्योंकि इन्होंने अपने मैनुअल से मेंशन किया हुआ है कि जो मैक यूजर्स हैं वो इसमें ज्यादा कस्टमाइजेशंस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, और एंड्रॉइड यूजर्स भी। सो विंडोज वालों के लिए तो भाई बहुत सही चीज है। मोबाइल यूजर्स के लिए एक चीज बताना चाहूंगा कि आप इसमें एक देखेंगे कि दो तरह की मार्किंग डाली हुई है, एक थोड़ा सा बड़ा मार्किंग दिखता है जो कि आपके विंडोज के लिए होता है और एक छोटा सा वर्टिकली मार्किंग डाली गई है जो कि आपका मोबाइल के लिए है। हम बात करते हैं इसके स्टाइलस की। स्टाइलस में जैसे कि मैंने बताया कि इसमें भी कुछ चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है। इसके स्टाइलस की प्रेशर पॉइंट्स आप इसके मेजर कर सकते हो, ये आपको बताता है कि आपके प्रेशर पॉइंट्स कितने ज्यादा प्रेशर आप लगा रहे हैं अपने स्टाइलस पे। और दूसरा ये भी है इसमें 7 mm की सेंसिंग हाइट होती है, मतलब अगर आप इसके टैब पे टच भी नहीं करेंगे तो उतने से 7 mm की जो हाइट अगर आप रखते हैं तो ऑटोमेटिक आप अपने स्क्रीन पे देखेंगे कि वहां पे ये डिटेक्ट करता है और ऑपरेटेबल होता है वहां से। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम टैब पे रखो और उसको पूरा प्रेशर दे के दबा के रखो तब डिटेक्ट करेगा तब काम करेगा। 5 स्टाइलस पिन मिलती हैं जिनको नीब से हम जानते हैं। और हाँ एक और बात, इस चीज का ध्यान रखना, कभी भी जब आप इसकी नीब को चेंज करते हैं या फिर अदला बदली करते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने हाथों से ना करें क्योंकि इसके लिए एक अलग से एक पिन दी गई है ताकि आप इसको चेंज कर सकें और इसमें शिफ्ट कर सकें, दोबारा से लगा सकें। दांत से निकालने की कोशिश मत करना क्योंकि एक वेस्ट चला जाएगा तो अच्छी बात नहीं है ना, फिर मुझ जैसा बंदा तो शायद पहले दिन ही खराब कर देता। जो यूज करता है उसी को महसूस होगा क्योंकि आवाज नहीं आती है। ये 1 mm से 1.5 mm का एब्जॉर्ब होता है, मतलब एब्जॉर्ब इन दी सेंस जैसे सस्पेंशन शॉकर्स होते हैं ना मोटरसाइकिल्स में, जब वो अंदर को एब्जॉर्ब होते हैं तो काफी सारे पैंस में जब हम प्रेशर देते हैं तो वो अंदर को जाते हैं, जो थोड़ा सा उसको जब छोड़ते हैं तो वापस से बाहर आ जाते हैं। और यही इफेक्ट जो है ना कहीं आपकी राइटिंग को ना काफी ज्यादा स्मूथ भी बनाता है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बना देता है, आपको मन नहीं भरता फिर आपका। इसके स्टाइलस में जो बटन्स हैं वो भी कस्टम बटन्स होते हैं, मतलब कस्टमाइज कर सकते हो। ऑनलाइन एजुकेशन में भी ये बहुत आसानी से फॉर्मूलाज, इक्वेशंस और जो भी है आप पीडीएफ में एनोटेट करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें फोटोशॉप, पेंट, पीपीटी टूल, साई और बहुत सारे एप्लीकेशंस में जो कि आपके ड्राइंग और डिजाइन के काम आती हैं उसमें ये टैब काफी ज्यादा उसके साथ कंपेटेबल है। अगर आप डबल स्क्रीन यूज करते हैं तो आपको इसके पेन टैब के सॉफ्टवेयर में जाके आपको स्क्रीन मैपिंग यूज करनी पड़ेगी जहां पे आपको स्क्रीन सेट करना पड़ता है, तो आपको वो ड्रैग करके आपको फुल करना पड़ेगा कि आपकी जो भी स्क्रीन है
वहां तक के लिए, वो आप उसको फुल कर देंगे तो आप अपने पैन टैब से सेकंड स्क्रीन भी कंट्रोल कर पाएंगे। से हमारे पास में ऑप्शन आ जाते हैं डिफाइन कीज। ये जो आपकी जो 12 कीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो आपकी 12 कीज हैं इनको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के लिए जो उन्होंने सेटअप करके दिया है ऑलरेडी वो हमें ये मिल जाता है। मतलब फर्स्ट की के लिए हमारा ई इन्होंने दिया हुआ है, सेकंड के लिए भी कंट्रोल प्लस डैश हाइफन जैसे कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू का दिया गया है हमसे। इसके साथ में ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन लगा दिए गए व्हील अप, यानी हम अगर कस्टम की में व्हील अप से लेके सारी चीज़ों को कंबाइन कर सकते हैं। अब अगर जैसे आपको कोई भी चीज़ कंबाइन करनी है तो देखिए हम इसको पेन टैप की सहायता से ही इसको चला के हम देखते हैं, चेक करते हैं। क्योंकि मान लो कि यहाँ पे हमें जाना है तो हमने इसको ये लिया, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें क्या लेना है इस पर वो हम सारी चीज़ें ले सकते हैं। जैसे मान लो कि हम इसे होम बटन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जैसे ही हम इसको दबाएँ फर्स्ट वाली की को दबाएँ तो हमारा होम बटन चलना चाहिए। तो अब होम बटन के साथ में आपको कोई भी मान लो शिफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है, कंट्रोल का बनाना है, अल्ट का बनाना है तो आप वो बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको एक लेटर मिल जाता है जो आपको यहाँ पे दिया गया है, अभी हमने इसको होम पे सेट कर दिया है, ठीक है। इसको हमें जैसे ही हम टिक करेंगे उसके बाद हमें राइट पे क्लिक करना होगा कि हाँ अब ये देखिए यहाँ पे राइट सेट हो गया। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं, मान लीजिए कि कंट्रोल वाली की है, इस पर हमने किया तो यहाँ पर आ रहा है आपका ये बन के, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं इसको नहीं, इसको हम हटा देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ कंट्रोल चले, तो हम बैक स्पेस दबा के इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे एम्प्टी छोड़ा हमने इसके बैक क्लिक कर दिया तो देखिए कंट्रोल हो गया। अब जिन लोगों को कंट्रोल ए का कंट्रोल सी का ज़्यादा काम होता है, बी का काम ज़्यादा होता है, तो क्या करेंगे इसको इरेस्ट करेंगे और कंट्रोल सी जैसे कॉपी करना है तो कंट्रोल के साथ में सी का आपने कॉम्बिनेशन ले लिया, यहाँ पे जाइए राइट क्लिक कर दीजिए, ये आपका हो गया कंट्रोल के साथ कॉम्बिनेशन हो गया। फिर जब भी आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका कंट्रोल सी काम करेगा, आपको कीबोर्ड में प्रेस करने की जरूरत नहीं कि कंट्रोल और सी दबा, नहीं बस एक इस की के द्वारा आपका कंट्रोल सी का फंक्शन पूरा हो जाएगा। अब जैसे आपको यहाँ पे कंट्रोल का सिस्टम हमें हटाना है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं हम देख लेते हैं। जैसे हम उस पर जाएंगे तो यहाँ पे माउस के भी बटन मिल जाएंगे कि भाई माउस का लेफ्ट बटन दबाना चाहते हो तो राइट बटन, वो भी आप कर सकते हो। इसके साथ ही आपका ये कम्प्लीट हो गया। अब जैसे कि जिन लोगों को तीनों का कॉम्बिनेशन लेना है तो देखिए सिर्फ कंट्रोल ए ये आपकी क्या कमांड बन के आई, जो भी आपका ये कमांड बनेगा वहाँ नीचे दिखाता रहेगा। जैसे व्हील का तो कोई कॉम्बिनेशन निकलेगा नहीं तो हम बना लेते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ फंक्शन कीज वगैरह भी ले ली है तो फंक्शन कीज वगैरह भी इनके कंट्रोल्स के साथ में चल जाते हैं, ठीक है। ये ऊपर के 6 बटन अलग काम करेंगे, 6 बटन अलग काम करेंगे, इसका कॉम्बिनेशन अलग है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, हम चाहें तो हम इसको रीसेट टू डिफॉल्ट कर सकते हैं और अगर हम इससे ऊपर जाना चाहें तो ऊपर जा सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हमने कर दिया कंट्रोल रिसेट, इसको सबमिट कर दिया, नंबर बना सकते हो, नंबर बटन नंबर आपको दिखाता रहे, 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 हम इस बटन को एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 के बाद चलिए ये हमारा हो गया, अब हम वापस से इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपके ये जो माइनस वाला बटन है इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, ये जो माइनस वाला बटन दिख रहा है ये प्लस वाला है, ठीक है। तो माइनस वाले बटन को यहाँ पे उन्होंने दिया है कि भाई ये आप देखिए इस जगह पे कस्टमाइज कर सकते हो, ये आपकी टिप है जिसको आप हार्ड सरफेस पे चलाना चाहते हो, सॉफ्ट पे चलाना चाहते हो, वो सब कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको चलो क्लोज कर देते हैं, हमारी पेन सेटिंग हो गई है। इन्होंने अपना एक इनबिल्ट पेन सॉफ्टवेयर दिया है जिसको हम चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको किसी भी ब्राउजर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए तो फिलहाल अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो मेन वर्क होता है वो क्या है इसका। पेन टैप से हम जनरली मैथ्स के फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है, या हम कुछ हिंदी राइटिंग करना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ड फाइल पर जाना चाहते हैं, हमें क्या चाहिए वर्ड। तो देखिए आपके पास कीबोर्ड है तो आप उसे लिख सकते हो, अदरवाइज ये एक ऑप्शन आता है कि आप कैसे लिखना चाहते हो, तो आपका ये जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लिख सकते हो। जैसे ये देखिए मैंने एक बार पिन कर दिया था, इसको टच कर दिया था तो इसने क्या किया डॉट को ही ले लिया है, बट हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि भाई डब्ल्यू वर्ड खोलना चाहते हैं तो हमने क्या किया W2RD वर्ड हमने टाइप किया। तो देखिए सिंपली इसने वर्ड को ऑटो करेक्ट किया है, रिकोगनाइज कर लिया है, वर्ड खुल के आ गया। यहाँ पे वर्ड पैक खोलना चाहते हैं आप क्या खोलना चाहते हैं तो सारे ऑप्शन आप किसी को भी ले सकते हो, तो यहाँ पे वर्ड पैक को ही ओपन करने की कोशिश करें, ये आपका वर्ड पैड है, ये आपका वर्ड खुल गया, ठीक है। चलिए इसे स्क्रैच उठाने देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इम्प्री डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे जिन लोगों को पेन वगैरह से करना है तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना है ए लिखना है, वन लिखना है,
या फिर आपको कोई साइन बनाना है तो इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। आपको पिन टिप चेंज करनी है तो ये सब आपके नॉर्मल जैसे आप पेंटिंग करते हैं आप उसी तरीके से करते रहेंगे और ये आपका हो गया। अब आ जाता है ये तो चलो वर्ड फाइल में हो गया कि आप कर सकते हैं इसको, लेकिन जिन लोगों को भी टीचिंग वगैरह करनी है टीचिंग से रिलेटेड है तो उन लोगों के लिए हम इस फाइल को सेव नहीं करते क्योंकि हमें कोई जरूरत है नहीं इसकी, कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। जिन लोगों को भी टीचिंग करनी है टीचिंग करना चाहते हैं या कोई स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं लाइक जूम में है या फिर कहीं यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा रहे हैं स्क्रीन शेयर करके, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। उनके लिए एडिशनली उनको क्या करना होगा, डाउनलोड करना पड़ेंगे कुछ अलग सॉफ्टवेयर टूल्स, क्योंकि इसके साथ में कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पेंट का ऑप्शन मिलता है क्योंकि हमने अभी फिलहाल भी डाउनलोड नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। और उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये ग्राफिक टैबलेट वाला जो ऑप्शन है इसमें होता क्या है। जब भी आप पेंट टैब को रिमूव करेंगे और उसको दोबारा से अटैच करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, तब तक आप इसको यूज़ तो कर सकते हैं बट प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। जब आपका ये प्रॉपर आ जाएगा टैबलेट कनेक्टेड तो ये आपका रेडी है, आप इससे जो चाहें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे, यहाँ से हम कुछ डाउनलोड करेंगे टूल्स, लाइक जैसे कि यहाँ पे इसने पूछ लिया है पहले कि हाँ क्या लिखना चाहते हो, वाइट बोर्ड, ठीक है। हम वाइट बोर्ड पे गए तो हमें यहाँ ऑप्शन मिल जाते हैं कई सारे, तो हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का ही ले लेते हैं जो इनबिल्ट है इनका और काफ़ी अच्छा भी है। एक हम माइक्रोसॉफ्ट वाले को ले लेते हैं, दूसरा एक और हमें मिलता है मीडिया वाइट का, आप मीडिया वाइट का ले सकते हैं, वो मुझे पर्सनली चलाने में अच्छा लगता है, बाकी आप लोगों की जो भी चॉइस हो कोई दिक्कत नहीं, सब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से करेंगे। ये मीडिया वाइट का है, 4 स्टार रेटिंग है, 102 लोगों ने इसको रिव्यू किया है, आप देख सकते हैं 4.2 की रेटिंग है और ये अच्छा है, इसको भी हम डाउनलोड पर लगा देते हैं। अच्छा इसके बाद ये तो आपका ईजी हो गया, रेस्ट कर दिया खत्म टाटा, तो चलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्या होता है इसमें। इसके साथ ही अब हमें एक और ऑप्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग स्क्रीन पे लिखना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। स्क्रीन वालों के लिए आपको एक अलग से टूल डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है स्क्रीन एनोटेटर, ये रहा टफल स्क्रीन एनोटेटर, ये आपका टूल है जो आपको हेल्प करेगा लाइव स्क्रीन पर कहीं भी लिखने। सेंसर्स मस्त है, टेंशन मत लेना किसी भी चीज़ के, अगर आप इसे परचेज कर रहे हो तो बेझिझक खरीद लो, मैं तो यही बोलूंगा। जो भी आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो ये सब कुछ एक पैकेट के अंदर यही मिलेगा एक सेलर की तरफ से, अपना सेलर नहीं है टेंशन ना लो यार, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है। अगर इसे परचेज कर रहे हो तो यार मेरे लिंक से ट्राई करना, मेरे को और कमेंट में बता देना कैसे क्या है, अगर कुछ पूछते हो तो मैं बाकी कमेंट में रिप्लाई करता रहूंगा, कुछ भी जानना चाहते हो तो। शायद हो सकता है काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर ना कर पाया हूँ, मैं कमेंट में जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता दूं उस चीज़ के बारे में। जो मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने इस चीज़ को परचेज किया, जो इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इसका यूज़ करके किस तरह से उन्होंने कंटेंट बनाया हुआ है आप भी देख पाएंगे उसको, तो नीचे लिंक अपडेट कर दूंगा आने वाले टाइम में। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।